हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 3 है। इससे पहले वाले 2 लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को डिटेल में जाना था। इसके पहले वाले लेक्चर 6 के पार्ट 2 में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में डेप्थ में जानकारी हासिल किए थे। यह टॉपिक ऑपरेटर्स का ही है, ऑपरेटर्स का सेकेंड टाइप लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में पहला था सॉरी अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में पहला था एंड ऑपरेटर, दूसरा है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में दूसरा टाइप है लॉजिकल और। लॉजिकल और का साइन क्या होता है, तो आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा के जो बैकस्लैश वाला की दिया है उसके ऊपर वाला की शिफ्ट दबा के या बैकस्लैश वाला की 2 बार दबाइए, ये वाला जो ऑपरेटर है ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल और ऑपरेटर का काम क्या है कि ये भी 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स के बीच में लगता है। अगर दोनों तरफ वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, या उसके बाद किसी भी केस में यह ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ रिलेशनल ऑपरेटर्स लगे होते हैं इसके। किसी भी एक तरफ अगर वैल्यू ट्रू है तो यह ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अन्यथा यह फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी केस में जब राइट साइड या लेफ्ट साइड में वैल्यू ट्रू होगी तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो दोनों तरफ अगर फॉल्स होगी तभी यह वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ए ग्रेटर बी है, अगर ए ग्रेटर बी है और सी ग्रेटर डी है, जहाँ ए और बी की वैल्यू है ए इक्वल्स टू 12, बी इक्वल्स टू 34, सी इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू 5। अब आप ज़रा देखिए, एक क्या ए ग्रेटर बी है? मैंने बताया था कि पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर सॉल्व होता है, तो ए ग्रेटर बी है क्या? नहीं, नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब वैल्यू फॉल्स है तो 0 आएगा। क्या सी ग्रेटर डी है क्या? है, सी के वैल्यू 3 है, ओ सॉरी सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 5 है, तो सी ग्रेटर डी भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ क्या होगा, फो कंडीशन फॉल्स है तो 0 होगा। 0 और 0 क्या होता है, 0 और 0 0 होता है। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स था। पूरा का पूरा जो हमने ऊपर कंडीशन ये वाला लिखा था ये क्या था, फॉल्स था। ए ग्रेटर बी और सी ग्रेटर डी फॉल्स था, किस केस में, जब ए बी सी डी की वैल्यू ये सारी हैं तब। अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ 6 ले लूं, यहाँ 8 ले लूं, यहाँ सी को ऐसे ही रखने देता हूँ और डी को 1 ले लूं, इस केस में क्या होगा, ज़रा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा, पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा तो 1 आएगा, क्योंकि ए ग्रेटर बी एक्चुअल में है, सी ग्रेटर डी भी है, तो यहाँ भी 1 आएगा। 1 और 1 क्या होता है, 1 और 1 1 होता है, 1 जिसका मतलब होता है ट्रू। फिर इसका मतलब जो ये वाला हम एक्सप्रेशन लिखे थे ये ट्रू था इस केस में, जब ए बी सी डी की वैल्यू ये सारी है तब। अगर हम ए की वैल्यू 1 ले लें, बी की वैल्यू 6, तो इस केस में क्या होगा, ए ग्रेटर बी नहीं होगा, मतलब यहाँ क्या होगा, 0। सी ग्रेटर डी भी नहीं होगा, सॉरी होगा, सी ग्रेटर डी होगा, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या होगा, 1। 0 और 1 क्या होता है, 1। इस सारी चीज़ों का आप टेबल भी बनाते चलिएगा, क्योंकि आगे जब इफ एल्स की कंडीशन हम पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा। तो 1 जब रिटर्न करेगा, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। फिर अगर हम ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन ट्रू था, किस केस में, जब ए बी सी डी की वैल्यू ये हुई तब। अगर मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ और चेंज करूँ, अब बताइए क्या होगा, क्या ए ग्रेटर बी है, हाँ है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये 1 होगा,
सी ग्रेटर डी है क्या? नहीं, यहाँ क्या होगा? ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो, वन और ज़ीरो, ज़ीरो, कंडीशन वन और ज़ीरो वन होगा, ज़ीरो नहीं होगा, कंडीशन ट्रू। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से लॉजिकल और क्लियर हो चुका होगा, लॉजिकल एंड की तरह क्लियर हो चुका। लॉजिकल एंड का टेबल अलग था, लॉजिकल और का अगर आप टेबल बनाए होंगे इस वीडियो को देख के, अगर दोनों टेबल्स के बीच में आपने कंपेयर किया होगा तो आपको डिफरेंस साफ पता चला होगा। अगले वाले वीडियो में हम लॉजिकल नॉट पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सारे नोट्स जो हैं मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, नोट्स लिखा भी रहा हूँ, तो वो सारे बच्चे जो कोचिंग के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो भी सी लैंग्वेज आसानी से सीख पाएँ, ये मेरा मुहिम है। क्योंकि मैंने सी लैंग्वेज सीखा, कितनी मुश्किल से सीखा, ये मैं दूसरों के साथ नहीं होने देना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, जो भी अकाउंट्स आपके पास हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और कोई क्वेरी हो तो कॉल तो ज़रूरी करिए। थैंक यू।